नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमला हो गया। ममता का आरोप है कि 4 से 5 लोगों ने उनके काफिले पर हमला बोला, उनके पैर को कुचला गया, उन्हें धक्का दिया गया जिससे उन्हें कई जगह चोट लगी। दीदी ने सांस लेने की तकलीफ होने की शिकायत भी की। हमले के आरोप के बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से कोलकाता का रुख किया, लेकिन ममता बनर्जी के आरोपों को बीजेपी नेताओं ने इलेक्शन स्टंट करार दिया है। ममता बनर्जी पर हमले की हकीकत क्या है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। यह रिपोर्ट उस जगह से है जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर यह कथित हमला हुआ। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये तस्वीरें दंग करने वाली थी। दीदी गाड़ी की सीट पर निढाल थी, पैर में पट्टी बंधी थी, चेहरे का मास्क गर्दन पर आ चुका था। गाड़ी में बैठे बैठे दीदी अपने ऊपर हमले की पूरी कहानी सुना रही थी। पैर की चोट दिखाते दिखाते वो अचानक सीट पर बेसुध सी हो गई। दीदी अपने पाप खुले रहे थे, हमारे दो पापा गाड़ी का चेक करते होंगे, अभी कहीं गाड़ी थोड़ी देर के गाड़ी चला, हमारे गाड़ी का तीन अंगूर पास में हमारे शूटिंग में तीन अंगूर चेक किए। नामांकन के बाद चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी पर हमला किसने किया, कौन थे वो 4 से 5 लोग, कैसे मुख्यमंत्री के काफिले में सेंधमारी हुई, सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। लेकिन ममता बनर्जी के आरोप हैं कि उनके पैर को जानबूझकर कुचल दिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई जिससे उन्हें चोटें आईं, वो घायल हो गए। हमले के बाद दीदी ने सीने में दर्द की शिकायत की, उन्होंने चुनाव प्रचार के बीच हुए हमले को बड़ी साजिश करार दिया। ममता बनर्जी के मुताबिक हमले के वक्त बंगाल पुलिस उनके साथ नहीं थी। हम इस समय नंदीग्राम की उसी बिरुलिया बाजार की जगह पर हैं जहां पर दीदी ने ये बताया कि वो आ रही थी और 4 से 5 लोग घुसे, उन पर हमला किया। पहले ये जगह आप समझ लीजिए, देख लीजिए, ये बिरुलिया बाजार है नंदीग्राम का और ये रास्ता है, इसी रास्ते से दीदी आ रही थी। और ये जो लोग हैं उस समय कौन कौन यहाँ मौजूद था जब दीदी आ रहा था, कोई था, आप थे? हाँ था। क्या हुआ था बताइए? यहाँ से दीदी निकला था, निकल के ये पिलर है ना, ये पिलर जो है, पिलर के गेट खुला, यहाँ पे चोट लग गया। अच्छा, पिलर बोला इसकी ये 5 आदमी को उसको ठेल दिया, वैसा कोई कुछ नहीं हुआ। गेट खुला, इस पिलर से चोट लगी? हाँ हाँ, इस पिलर पे चोट लगा। अच्छा, हाँ आप थे उस समय? हाँ था। और कौन था यहाँ पर उस समय? आप थे यहाँ पर? पिलर चोट लगी? हाँ, इसमें चोट लग गया। दीदी ऐसे करके नमस्कार सबाई के जाना रहा था, तो गेट खोल के आ रहा था तो ड्राइवर बाड़ा दे गाड़ी, इसमें चोट लग गई। पिलर चोट ली। और भी कोई था यहाँ पर? आप नहीं थे? ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर पुलिस यहाँ नहीं था? पुलिस उस समय पुलिस था पीछे था। पुलिस ने क्या किया फिर? पुलिस ने किया उसको गार्ड देकर अब ले चल गया। बर्फ दुकान से बर्फ लेकर आया, बर्फ लेकर पैर में। कहाँ से लेकर के आया? ये दुकान से बर्फ। इस दुकान से? आइए जरा मेरे साथ आइए। कहाँ है ये दुकान है जहाँ से आप किए? यहाँ से बर्फ लेके गए? बर्फ लेके गए और फिर दीदी को लगाया? सब दो आए थे, बर्फ तो सब की व्यवस्था कर दो। क्या क्या दिया आपने? बर्फ दिया और घर वैसे ताते सीआरपी से स्टाफ चलो तारा ऐसा लीजिए, सीआरपीएफ का जो पुलिस का स्टाफ था वो यहाँ आया, बर्फ ले गया और फिर दीदी को लगाया। आज दीदी का नामांकन का दिन था। हल्दिया सब डिविजनल कार्यालय में नामांकन दाखिल करने के बाद वो 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में हिस्सा ले चुकी थी। एक मंदिर में पूजा करने के बाद वो प्रचार में जुटी थी जहाँ उन्होंने खुद पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी नेता दीदी पर हमले को उनका चुनावी स्टंट मानते हैं। 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी, 300 पुलिस और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस, तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन? उनके सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी जो एसएस 4 आईपीएस को उन्होंने सिक्योरिटी की इंचार्ज बनाया था, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए। नंदीग्राम में घायल होने के बाद ममता बनर्जी को कोलकाता ले जाया गया है। हालांकि बैटल ऑफ बंगाल में दीदी पर अटैक नया बखेड़ा लाने वाला साबित हो सकता है। रवि दत्ता के साथ अभिषेक उपाध्याय, कोलकाता, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।